हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10th का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड secant a। तो ये हमें दो वैल्यूज निकालनी है, हमें cot की वैल्यू दे रखी है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए कि हम निकालना क्या है और क्या करना है इसका। तो a हमने यहां रख दिया, b यहां रख दिया, c यहां रख दिया। और उससे पहले एक हमें पता है, PBP/HHB साइन cos tan। ओके, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें सॉल्यूशन में दे रखा है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो पहले 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इज इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। और हमें 10 यानी कि 10 का रिवर्स बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता है एंड परपेंडिकुलर पता है। बेस क्या है, बेस ये रहा, बेस हमारा पता चल गया एंड परपेंडिकुलर पता चल गया यानी कि 15। तो अब हम क्या करेंगे, लेट cot a इज इक्वल्स टू 8/15 के एंड के y वेयर k इज द रियल नंबर। why we do this, हमने ये क्यों किया, k इसके साथ जो वैल्यू दे रखी है हमने वहां पे k क्यों लगाई, k इसलिए लगाई क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था, समझा था कि इसके साथ हो सकता है कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। जैसे मान लो कि ये 4 और 8 है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें 1/2 दे रखा है क्वेश्चन में, साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू, कॉट की वैल्यू। तो 1/2 दे रखा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ 2/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए 2/4 था, ये सॉरी 4/4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए 4/8 था। लेकिन हमने क्या कर दिया, डिवाइड करके इसके 1/2 बना दिया, तो ये 1/2 है। तो ये 4/4 जो है ना, ये k उसी को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है k की जगह जो इससे मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया, और कोई रीजन नहीं है। तो अब देखो हमें क्या करना है, साइन a की वैल्यू चाहिए। साइन a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन है। लेकिन हमें पता है क्या, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है और थर्ड साइड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके उस थर्ड साइड को निकाल लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पाइथागोरस थ्योरम के यूज करते हुए थर्ड साइड निकालने से पहले, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी क्या करोगे, वही एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर में फाइंड आउट ही करना है, एबी क्या है, एबी हमारा है 8k प्लस बीसी क्या है, बीसी हमारा 15k। इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 225k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 289k स्क्वायर, और यहां पर एसी का स्क्वायर तो चल ही रहा है, स्क्वायर यहां पर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा 289 के स्क्वायर, स्क्वायर से उसका रूट कट जाएगा, बट 289 का क्या होता है 17, तो ये 17 के आ गया। ओके, हमें थर्ड साइड मिल चुकी है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि बहुत इजी है। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू लिख देनी है। हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनस 17, या आप कह सकते हो एसी। बीसी कितना है, बीसी है 15k एंड एसी कितना है, एसी है 17k, 17k। तो
तो कैसे के कट हो जाएगा 15 बाय 17 जो है वो साइन ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है जो कि किसका कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है यानी कि हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, एसी डिवाइडेड बाय क्या, बेस, और बेस क्या है हमारा, एबी। बेस हमारा एबी क्या होता है, सीकेंट की वैल्यू हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। एसी कितना है, एसी 17 के, बेस एबी कितना है, एबी है 8 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 17 बाय 8। यही हमें फाइंड आउट करना था साइन एंड कॉस की वैल्यू। कि गाइस आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।